हाय स्टूडेंट्स, हम दीपक रजौरिया, वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया है हम लोगों को द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो क्वेश्चन में बोला है कि एक एपी का 17th टर्म इसी एपी के 10th टर्म से 7 ज़्यादा होता है, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में कौन से दो टर्म्स को कंपेयर किया गया है, 17th टर्म और 10th टर्म। 17th टर्म का मतलब होता है 17 और 10th टर्म का मतलब होता है 10, करेक्ट। तब बोला है क्वेश्चन में कि जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से कितने यूनिट्स ज़्यादा है, 7 यूनिट्स ज़्यादा है। इट मींस अगर ये टर्म इस टर्म से 7 यूनिट्स ज़्यादा है तो हम लोग क्या करें, 7 यहाँ पर प्लस कर दें, जिससे कि दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे दोनों की वैल्यूज, राइट। अब A17 का एक्सपेंशन क्या होता है, ए प्लस 16D रख देते हैं, एंड दिस इक्वल टू A10 का एक्सपेंशन क्या होता है, ए प्लस 90, और साथ में प्लस में क्या है, 7 पुट कर दिया हम लोगों ने। अब हम लोग देख रहे हैं ए इधर भी है और ए इधर भी है, कभी भी इक्वल के इधर उधर सेम साइन के नंबर होते हैं तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तब हम लोगों को यहाँ से क्या मिलता है, 16D इक्वल टू 90 प्लस 7। अब डी की वैल्यू निकालनी है तो इसको ट्रांसपोज कर दो 16D, और ये ट्रांसपोज होके आया तो ये माइनस में आएगा, तो माइनस का 9D इक्वल टू कितना रहा यहाँ पे, 7। अब 16D में से 9D को माइनस किया तो कितना आया, 7D, एंड दिस इक्वल टू 7। हमें तो क्या फाइंड करना है, डी, तो इस 7 को भी ट्रांसपोज कर दें, तब क्या कह सकते हैं कि डी इक्वल टू 7/7, और 7 से 7 को डिवाइड किया तो 1। इसका मतलब डी की वैल्यू निकल के आ जाती है कितनी, 1, और यही हम लोगों को फाइंड करना था। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।